हेलो गाइज, वेलकम अगेन। मैं सुनील गोस्वामी, टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपके फिर से स्वागत करता हूँ। जो दोस्त पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्यसभा। सबसे पहले हमने लोकसभा का टॉपिक डिस्कस किया था, तो जिन दोस्तों ने वो टॉपिक नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लें और उसके बाद हम ये आज इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ डिस्कस करेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे राज्यसभा से रिलेटेड, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है, वो डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए यहाँ लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ से जुड़ सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भारतीय संसद है हमारी, ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो राज्यसभा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है भारत की संसद। नेक्स्ट है, संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो संसद के उच्च सदन को है वो राज्यसभा कहा जाता है, संसद के उच्च सदन को। और संसद का जो निचला सदन है, निम्न सदन है, उसको लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिक से अधिक जो सदस्यों की संख्या है वो 252 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। क्या राज्यसभा सदस्य के लिए ये जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहता है? हाँ, ऐसा होना चाहिए कि वह राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, जरूरी है ये। संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता? तो जो राज्यसभा है वो संसद का स्थायी सदन है, उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। जब राज्यसभा स्थायी सदन है और ये भंग नहीं होता, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल क्यों रखा गया है? दरअसल इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब 1/3 है वो प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान समय में भारत का उपराष्ट्रपति है M.वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन चुनता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य, राज्यसभा सदस्य में ही किसी को 6 साल के लिए उपसभापति चुना जाता है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति है वो S.V. कृष्णमूर्ति राव थे। अगला देखिए, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का क्या अधिकार है? तो धन विधेयक के संबंध में सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे लोकसभा मानने को बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। अगर इस समय सीमा तक विधेयक वापस नहीं होता तो पारित माना जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन का भी अधिकार नहीं है। तो जो धन विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा को अधिकार है उसका। राष्ट्रपति साल में कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन आउट करते हैं? तो कम से कम 2 बार करने का जरूरी है, कम से कम 2 times। राज्यसभा के एक स्तर की अंतिम बैठक के अगले स्तर की प्रथम बैठक के लिए नियति तिथि के बीच कितने महीने का अंतर होना चाहिए? तो राज्यसभा के एक स्तर की जो अंतिम बैठक है और अगले स्तर की प्रथम बैठक की तिथि के बीच में 6 महीने का, 6 months का डिफरेंस होना चाहिए। प्रथम राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो 3 अप्रैल 1952 को प्रथम राज्यसभा का गठन किया गया। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। किन जगहों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप से इसमें राज्यसभा प्रतिनिधि नहीं है, यहाँ कोई भी सीट नहीं है। राज्यसभा, राज्य और राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो देखिए हमने पहले लोकसभा के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने सारी सीटें की थी। तो सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, 31 सीटें, और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो देखिए 31 सीटें, महाराष्ट्र में 19 हैं,
आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16। तो ये पांच राज्य आपको जरूर ध्यान में होने चाहिए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र 19, आंध्र प्रदेश 18, तमिलनाडु 18 और पश्चिम बंगाल 18। बिहार में 16 सीटें हैं, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11, उड़ीसा में 10 हैं, राजस्थान में भी 10 हैं, केरल में 9 हैं, पंजाब में 7 हैं, असम में भी 7 हैं और झारखंड में 6 और हरियाणा में 5 सीटें हैं राज्यसभा की। छत्तीसगढ़ में भी 5 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 4 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, उत्तराखंड में 3 हैं, नागालैंड में 1 सीट है, मिजोरम में 1 है, मेघालय में 1 है, मणिपुर में 1 है, त्रिपुरा में 1 सीट है, सिक्किम में भी 1 सीट है और अरुणाचल प्रदेश में भी 1 सीट है और गोवा राज्य में भी 1 सीट है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों से, देखिए केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा सदस्यों, दो ही ऐसी हमारे यूनियन टेरेटरी हैं जिनमें राज्यसभा 3 सीट दिल्ली में है और 1 सीट पुडुचेरी में है। तो ये हमारा राज्यसभा से रिलेटेड, इसमें देखिए राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, अब देखिए राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री, तो ये ट्रिक है इचगार्ड, इचगार्ड ट्रिक से आप याद रखते हो, ई से इंदिरा गांधी, च से HD देवगौड़ा, ग से इंद्र कुमार गुजराल और ड से डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये वो सदस्य थे जो राज्यसभा सदस्य होते हुए प्रधान होते और प्रधानमंत्री बने आगे, तो मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा और इंदिरा गांधी। तो ये हमारा राज्यसभा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।